इस सभा का प्रारंभ हम दृष्टि पोरे द्वारा प्रस्तुत किया जाना दिवाली पर एक टॉपिक पे करेंगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आज आप सभी के समक्ष दीपावली के इस शुभ अवसर पर एक अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हर त्योहार हमारे लिए कोई ना कोई संदेश अवश्य लाता है, उसी तरह दिवाली भी हमें संदेश देती है। अगर ध्यान पूर्वक सोचा जाए तो हर त्योहार में अनेक संदेश छिपे होते हैं। दीपावली हमें पहला संदेश यह देती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार श्री राम ने सारा राज्य छोड़कर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार आज के बच्चों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आज के बच्चे बड़ों का आदर करना भूलते जा रहे हैं। दूसरा संदेश यह मिलता है कि भाइयों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। श्री लक्ष्मण ने सुख सुविधा छोड़कर अपने भाई के साथ वनवास जाना उचित समझा। भरत ने भी श्री राम के आने की प्रतीक्षा करते हुए अपना जीवन भी उन्हीं की भांति निभाया। पर आज हम देख रहे हैं कि भाई भाई जमीन जायदाद के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए कि धन दौलत से बढ़कर रिश्ते होते हैं। तीसरा संदेश आज की नारी को मिलता है। सीता माता जो राजमहल में पली बड़ी हुई, विवाह के बाद उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। उन्होंने पत्नी धर्म को बहुत अच्छे से निभाया, पर आज की नारी में सहनशीलता न होने के कारण लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं और कभी कभार तो बात तलाक तक आ पहुँचती है। हर नारी को सीता माँ जैसी सहनशील होना चाहिए। चौथा संदेश वचन का पालन करने का प्राप्त होता है। बहुत पहले कैकेयी को दिए गए वचनों का पालन करते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, पर वचन नहीं तोड़ा, उसे निभाया। ऐसी स्थिति में हमें संदेश लेना चाहिए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस प्रकार हम त्योहारों से अनेक संदेश ले सकते हैं। हमें चाहिए कि जिस प्रकार दीपावली पर हम अपने घरों की गंदगी को साफ करते हैं, दियो द्वारा रोशनी फैलाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वास व बुराइयों का नाश करना चाहिए। हर बुराई का नाश अवश्य होता है, जिस प्रकार घमंडी रावण का भी हुआ। एक सत्य यह भी है कि राम तुम्हारे युग का रावण ही अच्छा था। 10 से 10 चेहरे सब बाहर रखता था, पर आज के लोग तो नकली मोहटा पहने घूमे जा रहे हैं, जो बाहर से कुछ और दिखते हैं पर अंदर से कुछ और होते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। पटाखों से सावधान रहे, सुरक्षित रहे। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।